साथ उन चैंपियंस की जिनका दिल से स्वागत है, दिल से वेलकम है। वेलकम चैंपियंस, दिल्ली में टचडाउन किया, प्रधानमंत्री से मिलने गए, तब भी जश्न था। अब थोड़ी देर में मुंबई में टचडाउन करेंगे और वहां से विक्ट्री परेड होगी नरीमन पॉइंट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक, जहां उसके बाद एक स्पेशल सेरेमनी होगी जहां पर इन सबको पुरस्कृत किया जाएगा, फेलिसिटेट किया जाएगा। ये सभी चैंपियन है जिनके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनको देखने के लिए बहुत बड़ा हुजूम नरीमन पॉइंट की तरफ कूच कर रहा है। एयरपोर्ट पर भी बहुत सारे लोग क्रिकेट फैंस पहुंचे हुए थे, नारे लगा रहे थे। विक्ट्री परेड थोड़ी देर में मुंबई में शुरू होगा, लेकिन जश्न तो दिल्ली से ही शुरू है। सही बात करें और सच माने तो बारबाडोस से यह जश्न चल रहा है। अभी भी टीम और उसके साथ का सपोर्ट स्टाफ, बीसीसीआई, सिलेक्शन पैनल, सब लोग उस लम्हे पर हैं जब भारत ने कप फिर से जीता था। मुंबई एयरपोर्ट से दिवाकर सिंह जुड़ रहे हैं, वानखेड़े स्टेडियम से विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या वो फ्लाइट टच डाउन कर चुकी है? 4 बजे का अराइवल था उसका। देखिए अभी सीआईएसएफ के जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक जो है फ्लाइट अभी तक लैंड नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी देर में लैंड कर सकती है। और ये जानकारी मिलते ही देखिए आप, मैं आपको भीड़ भी दिखा देता हूँ एयरपोर्ट पर, किस तरह से ये एयरपोर्ट की एक तरफ की भीड़ है। आप देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे करता हूँ किस तरह से आज जश्न की तैयारी है, स्वागत की तैयारी है टीम इंडिया के। सर सॉरी, अभी मैं यहाँ पे भी जस्ट आया हूँ, बट अभी यहाँ पे जो पब्लिक खड़ी है उनके उत्साह ये लगता है काफी अच्छी यहाँ पे होगी तैयारी। तो फिलहाल अभी आप बताइए, आप बताइए, जी जी बताइए, कैसी तैयारी आज टीम इंडिया के, जस्ट उनकी तैयारी, टीम इंडिया के हीरोज आज मुंबई आ रहे हैं। तैयारी आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी तैयारी आज इंडिया बहुत सबके लिए गर्व रेडी है एकदम बिल्कुल। देखिए आनंद है ये भीड़ देखिए, जो एयरपोर्ट से सट के जो दीवार है कांच की, वहां पर तमाम जो लोग हैं देखिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी रास्ते से टीम इंडिया के तमाम जो खिलाड़ी हैं, स्टाफ है, वो यहीं से निकलेंगे। दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ उस तरफ देखिए, दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट के सामने वाला हिस्सा है वहां पर काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि टीम इंडिया के तमाम जो चैंपियंस हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में देश को न सिर्फ कप जिताया बल्कि जो 2023 की कसर बाकी रह गई थी उसे पूरा किया, तो तमाम जो लोग इकट्ठा हैं। इसके अलावा मैं अगर दिवाकर आपको, आप क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट के अंदर हैं, वहां भीड़ है, तो आपको एक जगह थोड़ा स्टडी रुकना होगा, क्योंकि आपका फीड थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। थोड़ा सा स्टडी रहिए, बस उसी गेट पर टकटकी लगा के रखिए जहां से वो टीम बाहर आएगी, वही फ्रेम हमें चाहिए, थोड़ी देर बाद वहां से निकलेंगे। पर विवेक गुप्ता, आप तक कैसे पहुंचेंगे? 4:30 बज गए हैं, 5 बजे से जुलूस निकलना था, वो डिले होगा, यानी 6 बजे से पहले शुरू नहीं होगा, लेकिन मुंबई के उस एयरपोर्ट से वानखेड़े यानी नरीमन पॉइंट तक पहुंचने वाला सफर, क्या एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है इनको एक्सप्रेस लाने के लिए? देखिए आनंद, स्पेशल कॉरिडोर तो नहीं बनाया गया है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट से आप जो यहाँ पर वानखेड़े स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो 40-45 मिनट का है। सीलिंग लेंगे, कोस्टल रोड लेंगे, अब ये 40 मिनट में सफर तय हो जाएगा। लेकिन बारिश हो रही है मुंबई में, लेकिन लोगों के जोश और जुनून में बिल्कुल कमी नहीं है। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर चलते आ रहे हैं, भरी बारिश में भी जो लोग हैं स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, दौड़ दौड़ के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में स्टेडियम के अंदर पहुंचना है, क्योंकि स्टेडियम धीरे धीरे फुल होता जा रहा है। 35,000 की कैपेसिटी वाले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम है, इतनी बारिश में भी जो लोग हैं वो अब अपने घरों से निकल कर यहाँ तक पहुँचते आ रहे हैं, क्योंकि 17 साल बाद वो एक बार फिर से इंडियन टीम के अपने फेवरेट प्लेयर को ट्रॉफी के साथ देखना चाहते हैं। आनंद, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, बस ये चैंपियन बस बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और जैसे ही इंडियन प्लेयर के जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो एयरपोर्ट से नरीमन पॉइंट आएंगे, वो इसी ओपन बस में एक विक्ट्री लैप लगाएंगे, एंड नरीमन पॉइंट से जो वानखेड़े स्टेडियम की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की दूरी है, इन 2 किलोमीटर के रेंज को क्रॉस करने में भीड़ बहुत ज्यादा होगी, सड़कों पर 1.5 से 2 घंटे लग सकता है। और अगर मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो विक्ट्री लैब की जो बस है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और अंदर जो बीसीसीआई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लोग हैं वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। बारिश होने के बावजूद भी देखिए पब्लिक किस तरह से दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पब्लिक से बात भी कीजिए, किसे देखने आ रही है ये पब्लिक?
जरा कोशिश कीजिए इनसे बात करने, पता कीजिए किसे देखने आ रही है, इंडिया की जर्सी पहनकर कितने लोग खड़े हैं। कौन से फेवरेट प्लेयर को देखने आए हो? रोहित शर्मा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। और बाकी प्लेयर्स भी तो शूर कुमार भी बॉम्बे के हैं। इंडियन टीम किंग कोहली, रोहित शर्मा सिर्फ। मैं कॉलेज बंद करके आया हूँ जस्ट यहाँ पे देखने, इतनी बारिश हो रही है। छुट्टियाँ डकलन काम वाला जॉब पे छुट्टी डाल के इधर आया है, इतनी बारिश में भी। यस दैट्स अ क्रेज गाइस, वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप जीता है। टीम इंडिया का सवाल है, कुछ भी छोड़ के आएंगे। देखिए जिस तरीके से कॉलेज बंद करके, ये देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा आनंद। अब जो विक्ट्री लैप की बस है वो निकल रही है, यानी कि बस बाहर आ रही है। चलिए जरा थोड़ा फुल फ्रेम जाकर देखें इस बस को भी, बाहर आ रही है। वाह बढ़िया सुंदर सजाया है, ये बेस्ट की डबल डेकर बस है जिसको रातों रात सजा दिया गया है। क्या पूरी टीम ऊपर खड़ी हो पाएगी? ये 2007 के उन लम्हों की याद ताजा कर रही है जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम को इसी तरह एक बस में ओपन टॉप में लाया गया था। क्या जश्न मनाया गया था विवेक? बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। देखिए 2007 में जब विक्ट्री लैप निकल गया था उस समय मैंने रिपोर्टिंग की थी और इसी जगह से वानखेड़े से रिपोर्टिंग की थी। आज एक बार फिर 17 साल बाद ये पूरी बस जो है वो तैयार हो चुकी है और साफ तौर पर जो एक ऐतिहासिक लम्हा था, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हाथ में लेते हुए पूरी टीम के साथ वही सी तरीके से पूरी बस को सजाया गया है और ऊपर जो है वो ओपन स्पेस रखा गया है ताकि जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो ट्रॉफी के साथ आसानी से पूरा विक्ट्री लैप कर सकें। बारिश तेज हो रही है, मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब चलता आपको कुछ समय बाद दिखेगा। जिस जगह हम मौजूद है वहां से कुछ समय बाद पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अब देखिए बस जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, बस पर चैंपियंस 2024 लिखा हुआ है। इस बस को तैयार करने के बाद अब इंडिकेशन मिल चुका है कि ये जो बस है अब धीरे धीरे अब नरिमन पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा। अगर आनंद ये बस के पीछे पीछे मैं चलूंगा तो आपको पता चलेगा कि जो क्राउड है, जो मुंबईकर हैं, जो मुंबई के लोग हैं, वो किस तरीके से आपकी टांगे 17 साल जवान है। 2007 से आज लेकर कर थोड़ा सा आज आपका भी व्यायाम हो जाएगा विवेक, आपको चलवाएंगे ज़रूर इस बस के पीछे, आपको जाना तो पड़ेगा क्योंकि उस क्राउड का हुजूम अखाड़ा के इन दर्शकों को दिखाने की आवश्यकता है। बारिश में थोड़ा भीगना है, इंडिया इंडिया चिल्लाना है और क्रिकेट के इस जोश में, इस जुनून में थोड़ा सा डूबना है। लेकिन ज़रा जल्दी दिवाकर से जानने की कोशिश करते हैं, वो बस आगे बढ़ रही है। देखिए मरीन ड्राइव और वानखेड़े स्टेडियम के बाहर से ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं कि भीड़ का कितना बड़ा हुजूम आ रहा है और धीरे धीरे और भीड़ बढ़ेगी। धीरे धीरे बारिश कम हो रही है, बारिश कुछ कुछ जगह है, मुंबई में ऐसा ही होता है, 2 किलोमीटर दूरी पर बारिश नहीं होती और लेकिन आगे जाइए तो बारिश होगी। वो आपको दो पेड़ के बीच में जो एक्सप्रेस टावर दिख रहा है और उसके बगल में ट्राइडेंट होटल दिख रहा है, वहीं से वही नरिमन पॉइंट है और वहीं से, और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें। दिवाकर आपके CISF के सूत्र क्या बता रहे हैं, टचडाउन हो गया है? देखिए तैयारियां लगभग आनंद पूरी कर ली गई है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखा दूं एयरपोर्ट के अंदर की, जो एयरपोर्ट के जो CISF के तमाम जवान हैं और जो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है वो तमाम लोग पूरी तैयारी करके खड़े हैं और जो ये रास्ता है सामने दिख रहा है वहीं से टीम इंडिया के तमाम जो खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस बनकर लौटे हैं वो जो है यहां इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे और यहीं से बाहर निकलने के बाद बगल में जो रास्ता है वहां से ही बस उन्हें जो बंद बस है, जो लग्जरी बस है वो उसमें उसे बिठाया जाएगा और वहां से फिर सीधा नरिमन पॉइंट के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। लेकिन मैं अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके तस्वीरें दिखाएं कि अंदर की क्या तैयारियां, क्योंकि थोड़ी तस्वीरें कैमरे में जरूर नजर आ रही है। आप देखिए जो ये आपको ये CISF के तमाम जवान दिख रहे हैं इसी रास्ते से जो टीम इंडिया के खिलाड़ी है फ्लाइट लैंड होगी, फ्लाइट से उतरने के बाद बाकायदा ये जो रास्ता आपको दिख रहा है धीरे धीरे वहां से इस रास्ते से होते हुए अब ये बाहर की तरफ जो रास्ता निकल आता है, आप देखिए ये गेट की तरफ वही रास्ता आता है और गेट की तरफ से उसी रास्ते पे जहां पे आपको तमाम जो CISF के जवान हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं फ्लाइट्स के या फिर जो है जो एयरपोर्ट के स्टाफ हैं वो तमाम जो लोग हैं यहां पे वो तस्वीरों में दिख रहे हैं वहीं से, और ये जो स्टाफ खड़ा है जो एयरपोर्ट के क्रू मेंबर्स खड़े हैं वो भी उस टीम का वेलकम करने के लिए खड़े हैं, स्वागत करने के लिए खड़े हैं क्योंकि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। यहां देखिए दिवाकर थोड़ा सा हमारी स्क्रीन पर जो बाईं तरफ जो विजुअल है वो थोड़ा और जोश वाले हैं, जरा उस पर चलते हैं। मुंबई एयरपोर्ट से लाइव तस्वीर आ रही है, लेकिन ये देखिए वानखेड़े में तो पार्टी चालू हो गई है, सब डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं।
ऐसा कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बारिश छतरियों के बावजूद देखिए ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे, रोहित शर्मा का 45 नंबर का टी शर्ट लोग लेकर घूम रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की टी शर्ट लेकर घूम रहे हैं, कोहली कोहली चिल्ला रहे हैं, इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें अभी स्क्रीन पर आपके दाईं ओर जो तस्वीरें हैं ये सूर्य कुमार यादव होटल ITC मौर्या के बाहर दिल्ली में नाचते हुए जैसे ही टीम का आगमन हुआ ढोल नगाड़ों के साथ तो वो भी भंगड़ा पाने लगे और साथ ही थोड़ी देर बाद रोहित शर्मा भी नाचते दिखे। और ये उससे पहले इसके बाद जैसे ही ये टीम पहुंची तब की बात है, फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर तैयार होकर ये सब निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने के लिए सात लोक कल्याण मार्ग। फैंस के रिएक्शंस भी आते हुए चलिए वापस हमारे रिपोर्टर्स के पास चलते हैं तो उनसे मिलने की उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विवेक गुप्ता आपकी चहलकदमी शुरू हुई, बस के पीछे चल रहे हैं आप, कहाँ हैं आप? विवेक अब ऑन रूट है, देखिए बस के पीछे पीछे वहां वांखेड़े स्टेडियम से नरीमन पॉइंट की ओर जाते हुए उसी जगह बस वापस आके रुकेगी वांखेड़े स्टेडियम में। लेकिन आपको अब से पहले का जैसे ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले वर्ल्ड कप जीतने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे टीम उतरी, उसके बाद उनका भव्य स्वागत हुआ चैंपियन टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए पीएम आवास सात लोक कल्याण मार्ग पहुंची और पीएम से मुलाकात भी की। ये वो तस्वीरें हैं, कुछ अंश हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम से मिलने आए और टीम ने उनके साथ विश्व कप तो साझा किया ही, ये ग्रुप फोटो जो कि रिलीज हुआ उसके बाद पीएम को इन्होंने जर्सी नंबर 1 भी गिफ्ट की भारतीय टीम की। और ये वो कुछ अंश हैं जिसका पूरा वीडियो, इसका हमें बेसब्री से इंतजार है कि टीम इंडिया के सभी लोगों ने, सभी मेंबर्स ने पीएम से क्या बातचीत की। देखिए हंसते खिलते ये चेहरे, नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में यही चेहरे मायूसी से भरे हुए थे और प्रधानमंत्री ने उनका ढाढ़स बांधा था और कहा था देखिए जीत हार ये तो जीवन का अंश है, जीत में भी वैसे ही रहो जैसे हार में रहते हो, एक ही तरह से अपने आप को बनाए रखो और दोनों का स्वागत करो और दोनों से सीखो। आज चेहरे पे हंसी है, उस दिन आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री उसी ड्रेसिंग रूम में गए, टीम का ढाढ़स बांधा और कहा आगे बढ़ो, इन गलतियों से सीखो और जीतो। और देखिए 6 महीने बाद IPL का कार्यक्रम समाप्त हुआ और उसके बाद वर्ल्ड T20 में ये टीम रोहित शर्मा की अगुवाई में अनडिफीटेड है, पूरे टूर्नामेंट में अनडिफीटेड। और क्या स्टाइल से जीती, क्या स्टाइल से जीती। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिवाकर क्या खबर है, पहुंच गई टीम?